हेलो गाइज, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइट ब्रदर्स। सो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप थंबनेल देख के आए हैं उसी के बारे में, इंडिकेटर्स का प्रॉपर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। सो मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सो मैं सोचा कि ये वीडियो आप सबके पास भी पहुँचाया जाए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक नहीं कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों का जो है जान बच सके। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन से प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियोज लाऊं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजीली मिल पाए। ओके, सो क्या है कुछ खास, देखते हैं। चलो, सो गाइज, ये जो इंडिकेटर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको समझने से पहले मैं समझूंगा लाइट को। लाइट को पहले समझना जरूरी है, चाहे वो बाइक की लाइट हो या फिर कार की लाइट हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हेडलैम्प है और यहाँ पे नीचे ये फॉग लाइट है। तो यहाँ पे दिखाई गया एक बार ऊपर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर है, इसी के साथ आपको हेडलैम्प मिल जाता है। सो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आगे वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा कि ये हेडलैम्प और ये इंडिकेटर एक साथ क्यों सही नहीं होता है, वो मैं बताऊँगा। ये आपको दोनों तरफ ऐसे ही मिल जाते हैं। और यहाँ पर दिखाइएगा, यहाँ भी है, एक ही तरह का है, यहाँ भी इंडिकेटर और ये लाइट दोनों एक ही साथ है। हालांकि ये हर कार में पता नहीं कभी कहीं ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है, लेकिन हाँ, कोशिश ज़्यादातर रहती है कंपनियों की साथ में ही इंडिकेटर और लाइट दिया जाए। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो लाइट और इंडिकेटर को बिल्कुल सेपरेट रखती है। तो सेपरेट रखना क्यों चाहिए, ऊपर या नीचे, मैं अगर हो सकता है मेरे पास कोई इमेजेज हो पहले की जो गाड़ियाँ हैं, तो मैं उसमें आपको वीडियो में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। पहले की जो कारें थी उसमें क्या होता था कि लाइट एक तरफ और इंडिकेटर एक तरफ, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था। इससे क्या बेनिफिट होता है वो मैं बताऊंगा। जैसे देखिए, इंडिकेटर आप दिन में भी यूज़ करते हैं और रात में भी यूज़ करते हैं। दिन में कई दफ़ा होता है कि सनलाइट जब ज़्यादा होता है तो उस वजह से इंडिकेटर दिखता नहीं, तो कंपनियां अब एलईडी पे काम कर रही हैं, क्योंकि एलईडी का जो है थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा होता है और तीखा होता है, तो आराम से मतलब दिख जाता है। लेकिन रात में ये चीज़ें दिक्कत कब होती है कि जैसे देखिए, जब भी हम कार चलाते हैं तो एक तो होता है हाई बीम और लो बीम। हाई बीम और लो बीम को भी समझना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको लाइट पता है, उनको सब पता है, वो अपने भाषा में जैसे कि आँख पे या फिर नीचे या फिर अपर डीपर या फिर डीम डीपर, बहुत तरह के मतलब शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो भी है। तो एक होता है जो हम हाईवे पे राइड करते हैं, हाईवे पे राइड करते हैं तो वहाँ पे हाई बीम चाहिए, मतलब जो दूर तक दिखे। और जब हम सिटी में, मेरा सिंपल कहने का मतलब है, जब हम सिटी में यूज़ करते हैं तो आपको डीम मतलब लोअर बीम पे जो आपको चलना चाहिए, और हाईवे पे हाई बीम पे चलना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो बाइक के हों या फिर कार के हों, वो हमेशा हाई बीम पे अगर है तो हाई बीम पे ही छोड़ देते हैं। तो इससे दिक्कत, दो दिक्कतें आती हैं। एक दिक्कत आती है कि आपकी स्पीड बहुत कम है, तो उससे क्या होता है कि अगर आप हाई बीम कर रहे होते हैं तो सामने वाले को आँखों पर लाइट आ रहा होता है। उस वजह से अगर आप इंडिकेटर जलाते हो तो होता क्या है कि एक तो उसकी आँखों पर लाइट जा रहा है क्योंकि वो हाई बीम पे है, और साथ ही में ये इंडिकेटर होता है तो वो तो लाइट को देख भी नहीं पाता है सही से, और इंडिकेटर भी जलाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि दोनों साथ में होने से वो सामने वाला आप देख नहीं पाता। अगर वो सामने से आ रहा है कि आप लेफ्ट या फिर राइट, जो भी आपका जो टर्न है आप ले रहे हो, तो वो समझ नहीं पाता है। और फ्रेंड्स, पहले की जो कारें होती थी उसमें लाइट यहाँ और इंडिकेटर साइड या कहीं और होता था, उससे क्या होता था कि अगर आपकी कार या फिर बाइक जो हाई बीम पे है तो वो इंडिकेटर अगर जलाए भी, अगर आपको पता ना हो कि हाई बीम पे है तो इंडिकेटर जलाए तो वो दिख जाता था, क्योंकि हो सकता है इंडिकेटर यहाँ हो और लाइट यहाँ हो। लेकिन आजकल क्या है कि लाइट और इंडिकेटर साथ में ही आते हैं, इस वजह से ये चीज़ ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। पहले ये चीज़ कम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि लाइट भी आपको अलग होता था और इंडिकेटर भी अलग होता था, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप नाइट में, एटलीस्ट नाइट में जब भी आप राइड करते हैं, तो हाई बीम से पहले आप लो बीम पे करें, ठीक है, लाइट को, उसके बाद आप इंडिकेटर को जलाएं, ताकि जो सामने वाले को है ना वो प्रॉपर दिख पाए, ठीक है। जैसे अगर आप लो बीम पे करेंगे तो लाइट नीचे हो जाएगी, और नीचे इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि हाई बीम पे स्पीड ज़्यादा रहती है और लो बीम पे स्पीड कम रहती है, कोई भी बाइक या कार हो, तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को दिख भी जाएगा प्रॉपर कि हाँ आप लेफ्ट या फिर राइट ले रहे हो, और आप भी सेफ हो जाओगे और सामने वाले को भी सेफ कर लोगे। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है अपने मतलब लाइफ में, जब भी मैंने ड्राइविंग किया तो ये मैंने बहुतों को बाइक पर्सनली मिल के बताया भी है। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि कभी भी आप जब राइड करते हैं या फिर आप ड्राइव करते हैं तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा। मैं बहुत बार देखा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो एकदम स्पीड में जा रहे हैं, तुरंत से इंडिकेटर जला दिए और मुड़ गए, और सामने वाला हो सकता है आके स्पीड में ज़्यादा हो तो धक्का लग जाएगा या फिर पीछे से कोई आके मार दे,
ये अक्सर मैंने देखा ऐसा होता है। और अगर आप उससे पूछते हैं ऐसा क्यों किया तो वो बोलेंगे कि मैं तो इंडिकेटर जलाया था। हालांकि ये गलत है। आपको जब भी टर्न लेना है लेफ्ट या फिर राइट, तो आपको पहले अपनी बाइक की स्पीड कम करनी चाहिए या फिर कार की स्पीड कम करनी चाहिए, जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद आपको एक बार मिरर में ज़रूर देखना चाहिए कि पीछे कोई है तो नहीं, क्योंकि हो सकता है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो, तो उसको रोकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। टाइम लगेगा तो डिस्टेंस, जैसे अगर मानिए आप यहीं से मुड़ना चाहते हो और यहीं इंडिकेटर देकर मुड़ लिए, तो पीछे वाले को दिक्कत हो सकती है या फिर सामने वाले को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसका स्पीड हो सकता है ज़्यादा हो, कम हो या फिर नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं। सो जब भी आप इंडिकेटर का यूज़ करें तो पहले आप ये देख लें कि आगे या पीछे जो भी कार या बाइक आ रही है आपके, उसके स्पीड सही तो है। उसके बाद आप इंडिकेटर थोड़ा पहले दें। जैसे मान लीजिए आपको 100 मीटर आगे से घूमना है, तो थोड़ा 20 मीटर या फिर 10 मीटर पहले आप इंडिकेट करें। और इंडिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम चले ही जाना है, आप इंडिकेट करें तब जब आप देख लें कि हाँ पीछे और आगे आपकी गाड़ी स्पीड में आपके साइड में तो नहीं है, तब आप ये चीज़ देख के तब आप मुड़ें। अगर कोई जाना चाह रहा है बाई चांस, अगर उसे बचाया जा सकता है, अगर वो रॉन्ग भी है तो उसको आप बचाएं। और ख़ासकर ये जो वीडियो था, अब जैसे इसमें क्या है कि ये देखिए, ये लाइट और इंडिकेटर दोनों, यहाँ पे हेडलैम्प और यहाँ पे इंडिकेटर दोनों साथ में है, नीचे आपको ये फॉग लैम्प है। चलिए फॉग लैम्प तो चलिए वो फॉग में या फिर कभी कभी अपने गर्मियों के दिन में भी ये काम में आ जाता है, लेकिन ये अगर आप हाई बीम पे रखते हैं तो ये लाइट आपको आँखों पे लग रहा होता है और यहाँ जो इंडिकेटर है तो आप वो देख नहीं पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि रात में जब भी आप इंडिकेटर यूज़ करें, चाहे वो बाइक की इंडिकेटर कोई यूज़ करना हो चाहे कार की, आप पहले इसको लो बीम पे करें फिर आप इंडिकेटर जलाएं, और पहले आप बाइक या कार को धीमी कर लें। ये चीज़ मैं बाइक में भी देखा हूँ, बहुत से जो ड्राइवर या राइडर हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्राइविंग सीख के, मतलब गांव शहर से ही लोग सीखते हैं और चलाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है। एक और चीज़, लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि वो जब नाइट में ड्राइव कर रहे होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो उनकी जो कार या फिर बाइक है वो हाई बीम पे है या लो बीम पे है, मतलब आँखों पे है या नीचे है, उनको पता ही नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको जानने का एक तरीका है, आपके बाइक में या फिर कार में एक स्ट्रेट करके ब्लू कलर की लाइट जलती है, वो मैं वीडियो में डाल दूंगा, वो कैसी लाइट होती है स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसमें क्या होता है कि जब आप हाई बीम पे करेंगे तो स्ट्रेट लाइट का सिंबल बना होता है, वो मैं आप वीडियो में देखेंगे पता लग जाएगा, तो स्ट्रेट दिखता है, लेकिन वो ब्लू कलर की लाइट होती है, चाहे वो बाइक में जले या फिर कार में जले, उसका जो इंडिकेशन होता है वो ब्लू होता है ज़्यादातर, किसी किसी में येल्लो हो सकता है, वो एक वो एक्सेप्शन है, लेकिन वो स्ट्रेट दिखता है। और जब आप लो बीम पे होते हैं तो उसमें लाइट लो बीम पे होती है या फिर नहीं जलती है, तो इस चीज़ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि मैं हाई बीम पे चल रहा हूँ या फिर लो बीम पे चल रहा हूँ, तो आप अपने मीटर कंसोल पे देख सकते हैं कि वो हाई बीम पे है या फिर लो बीम पे है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइट ऊपर है या फिर नीचे है। इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप भी सेफ रहेंगे और सामने वाला भी सेफ रहेगा। सो हो सकता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया हो, सो इस चीज़ को मैं सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दिन में कैसे करते हैं, रात में कैसे करते हैं, इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए। सो ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें ना करें, लेकिन लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को इससे मदद मिल जाए, एक्सीडेंट से रोका जा सके। और भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाऊंगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप सबको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।